आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा एसपी द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। एसपी के निर्देश पर मंगलवार को एक बार फिर मऊगंज पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने गांजे की खेप लेकर जा रही कार का पीछा करते हुए उसे पकड़ा है, जिस दौरान तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर उसमें लोड तकरीबन 64 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से अधिक की जा रही है। दरअसल कार्रवाई को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर एसडीओपी शैलेंद्र ने हमराह टीम के साथ गांजे की खेप लेकर आ रही एक्सयूवी कार को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान कार में सवार तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग खड़ा हुआ, जबकि पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। बता दें कि कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने गांजे के पैकेट बरामद किए हैं, जिसमें कुल 64 किलो गांजा बरामद किया गया है और उसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से अधिक की आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई खेप के मामले में कार मालिक सहित तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह खेप कहां से और किसके द्वारा लाई जा रही थी, जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है।